हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन हब। ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं और उन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिया था। टेंस वाला टॉपिक हमारा चल रहा था, दो हमने पढ़ लिए, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद अपना नया जो अगला टेंस होगा वो चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नंबर तीन के ऊपर अपना होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिस तरीके से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा है उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखना, कोई भी टेंस होता है उसको सीखने के लिए सबसे पहले उसकी हिंदी में हमारे को पहचान याद होनी चाहिए कि जो वाक्य लिखा हुआ है वो कौन से टेंस का है। हिंदी में यदि हमारे को पहचान याद हो गई, फिर उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उस वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को व्यवस्थित करना, इसके बारे में हमारे को पता होना चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जिस तरीके से हमने पहचान पढ़ी थी उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पढ़ेंगे। पहचान हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, ये इसकी पहचान होती है। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं आदि शब्दों में से कोई भी आ जाए तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। अब पहचान तो हम समझ गए, इसके अलावा और भी पहचान होती है इसकी, या है, ये है, ये हैं। इनमें से भी यदि कोई शब्द आ जाए तो समझ जाना ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। वह बाजार गया है, वे बाजार गए हैं, तो इनमें से कोई भी शब्द आ जाए तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। अर्थात हिंदी वाक्य के अंत में यदि ये शब्द जुड़े हुए हों तो समझ जाना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब इसके अंग्रेजी बनाने के लिए कोई भी एक साधारण वाक्य होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। एक सिंपल सेंटेंस की जब हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे को वाक्य में मिल जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है आपको मैं बता देता हूं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव का प्रयोग किया जाता है। हैज या हैव, दो हेल्पिंग वर्ब चलती है, ठीक है, दोनों में से अपने को कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। अब वो एक हेल्पिंग वर्ब अलग अलग इनका यूज होता है, हैज का प्रयोग कहां होगा और हैव का कहां होगा। दूसरे रूल में पढ़ेंगे एकवचन कर्ताओं के साथ तो किसका प्रयोग किया जाता है, हैज का। ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन, ये सभी एकवचनकर्ता होते हैं, इन सब के साथ तो किसका यूज होगा, हैज का प्रयोग किया जाएगा। नंबर तीन, आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन, इन सब के साथ किसका यूज किया जाता है, हैव का प्रयोग किया जाता है। बहुवचनकर्ताओं के साथ हैव का और एकवचनकर्ताओं के साथ हैज का प्रयोग होता है। अब हैज और हैव का हम प्रयोग सीख गए, किसका, हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब के बाद किसकी आवश्यकता पड़ती है, मेन वर्ब की। नंबर चौथे रूल में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म चलती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। परफेक्ट कोई सा भी हो, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का या फ्यूचर का, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है। और मेन वर्ब के बाद क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट, जो कि वाक्य में लिखा हुआ रहता है उस ऑब्जेक्ट की हिंदी से अंग्रेजी बनाकर हम थर्ड फॉर्म के बाद लिख देंगे। तो ये सभी चीज़ें हमारे को इनके रूल्स में मिल गई। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो ये हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगाएंगे, इस हैज या हैव के बाद किसका यूज कर देंगे, नॉट का यूज कर देंगे। किसका यूज करेंगे, हैज या हैज नॉट, हैव नॉट, नेगेटिव सेंटेंस में।
इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसके अंदर जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट से पहले अपने को किसका यूज करना होगा, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। अर्थात सबसे पहले इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन वर्ब। शब्द ये रहेंगे सभी भाई, सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो भी वाक्य में लगेगा, हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी, मेन वर्ब भी लगेगी, ऑब्जेक्ट भी लगेगा, लेकिन इनका क्रम चेंज हो जाता है। इंटरोगेटिव में किस तरीके से लगेंगे, पॉजिटिव में किस तरीके से, नेगेटिव में किस तरीके से। अब नेगेटिव में तो पूरा ये स्ट्रक्चर था, बस एक नोट लगा था। इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, बस जो पहले सब्जेक्ट लगाते थे उस सब्जेक्ट से भी पहले हम क्या लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग कर देंगे, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और अंत में क्या लगाना होगा, क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। नंबर 6 पर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव वाला ही रहेगा कि भाई सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, अर्थात सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, वो सॉरी सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा और नोट के बाद मेन वर्ब लगेगी और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये किसमें हो जाएगा, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में। उसमें सिर्फ इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में नोट और जोड़ देंगे, अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बाकी का हम सभी के अलग अलग स्ट्रक्चर रूल, ये सभी चीज़ें हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो पहले आज के टॉपिक में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान बताई है, उसके रूल्स बताए हैं, रूल्स हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी लगती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का कहाँ प्रयोग होता है। तो ये सभी चीज़ें आज के मैंने इस पीरियड में आपको ये सब चीज़ें बताई हैं। एकवचन कर्ताओं के साथ हैज का प्रयोग होता है, बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, और नेगेटिव सेंटेंस में नोट लगेगा, नोट नेगेटिव कोई सा भी हो सभी में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग किया जाता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और अंत में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब तथा सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे और अंत में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अपना आज का पीरियड था, आज का जो टॉपिक था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसके हमने पहचान प्लस में रूल्स इसके पढ़े कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, मेन वर्ब की कौन सी का यूज किया जाता है। ओके।